பாவத்து கவிதாய் இல்லை பாரிவளல் மகனா சேரனுக்கு உறவா செந்தமிழ நிலவா And you are welcome to a very super Sunday vlog. आज के इस vlog के अंदर एक बहुत ज़्यादा खास चीज़ and बहुत ही ज़्यादा demanding चीज़ मैं cover करने वाला हूँ. That is the waterproof mobile or GPS mount for the classics and yeah mainly the classic 350, which would not be very suitable for reborns. But very much for the BS6 owners, तो मेरे तो चांदी चांदी शुरू से ही हो रखी है. Definitely before starting this video, I would like to ask you a very important question कि आप में से कितने लोग How many of you use your mobile while you are riding the bike or matlab you want to navigate to some place, you want to go somewhere and it's raining, it's and recently I did a modification where I have installed a GPS mount on my bike and that was quite unique. Aisa mount kisi ne kabhi nahi dekha tha. That was a complete prototype par wo complete production mein ja chuka hai. Aisa kuch nahi hai dosto. That was not something that was manufactured. But wo jo cheez thi na wo maine do teen cheeze elements aur apna dimag jod kar wo maine lagaya tha and that worked flawlessly. Matlab uska jo result tha na वो 100-120 की स्पीड पर भी बहुत ज्यादा स्टेबल था. आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोडक्ट टू यू दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 450-700 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द सिचुएशंस. दैट इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart. ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी. रेस्ट आपको जितनी भी डिटेल्स है पूरी वीडियो देखना आपको सारा समझ में आ जाएगा कि किस जुगाड़ से और किस दिमाग से मैंने वो प्रोडक्ट को डिजाइन किया है. मतलब प्रोडक्ट तो था ही अपनी जगह पर उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके आई मेड अ GPS माउंट आउट ऑफ दैट फॉर द क्लासिक 350. दिस वीडियो is very limited for the people, so yeah. Anyway, if you're new to the channel, make sure you subscribe me. और यहाँ पर मैं videos link कर दूँगा आई बटन के अंदर. Don't forget to check out that. For the people who are following me on my vlog channel, तुम्हारे लिए giveaway आने वाला है. And भाई तुम्हें love you है तुम सबको. और भाई जो लोग follow नहीं कर रहे हैं ना मेरे vlog channel को, बेटा तुम याद रख लेना. तुम्हें ना कसम है भाई, तुम्हारी बाइक की कसम है भाई, अभी की अभी जाके करो मेरे ब्लॉग चैनल को फॉलो. नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ स्टार ध्रुव भी लिख दोगे या फिर खाली नॉर्थ स्टार लिख दो ना सबसे ऊपर आएगा. सब्सक्राइब कर लो, 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं. 1000 का टारगेट रख रहे हैं, 20,000 फटाफट करवाना. जब इनिशियली बात आई थी ना कि आपको एक मोबाइल होल्डर बनाना है या फिर मोबाइल होल्डर कुछ ऐसा बताओ कि हम सब यूज़ कर सके, बारिश में उसका यूज़ कर सके, मोबाइल कोई उठाकर कोई चोरी करके ना ले जाए. तो इन द वेरी बिगिनिंग आई इंट्रोड्यूस दिस थिंग जिसको मैंने ना जिप टाइज से अपने हैंडल के ऊपर बांध दिया था. वो एक जिसके अंदर गूगल मैप्स का एक मैंने लोगो भी लगा दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था. और उसके बाद उसका ड्रॉबैक ये था कि नहीं पाउच की कीमत 450-450 रुपये थी एंड दैट वाज काइंड ऑफ नॉट वर्थ इट क्योंकि जिप टाई से लगाना भी एक टास्क था क्योंकि सबसे लंबी जिप टाई उसके अंदर लग. सेकेंडली आई इंट्रोड्यूस्ड कि मैंने वहाँ पर एक ऐसे एक पाउच होता है, ये सबसे छोटा पाउच है, ये इससे बड़ा पाउच है एंड दिस इज़ द बिग डैडी. सो साइज़ के अंदर डिफरेंस देख रहे हो. ऑलमोस्ट आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड इवन आई हैव ट्राइड अ जिपिंग पाउच जो थोड़ा क्लॉथी मटेरियल होता है, दैट इज़ नॉट वाटर प्रूफ एट ऑल. उसने पूरा पानी सोख लिया था एंड ऑलमोस्ट माई फोन हैड डाइड. जो कहानी है वो शुरू होती है यहाँ से, दैट आई सॉ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन दिस वेबसाइट विच इज़ Amazon एंड Flipkart. कंपेयर द प्राइस जहाँ पर मुझे सस्ता मिला, बेसिकली Amazon पर मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है क्योंकि डिलीवरीज भी ज़्यादा जल्दी करते हैं. एंड सेकेंडली
मुझे अमेजोन पे देखा, मैंने सीधा ऑर्डर कर लिया और बाइक से ज्यादा तर लगते हुए देखा है, क्योंकि इसके पीछे जो नट है ना वो मिरर्स के ऊपर लगता है। नट के चक्कर में ये हुआ कि भैया अब तो ये हमारा पोपट हो गया कि नट लगाएंगे तो फिर वही पास आएगा, पर मेरा शुरू से ही प्लान था कि इसको ना मुझे आगे लगाना। जब आप इससे मोबाइल उतार देते हो तो थोड़ा सा ऑड लगता है, पर एट द वेरी सेम टाइम इट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर यूजिंग इट। एज सून एज द प्रोडक्ट गॉट डिलीवर्ड टू मी, मैंने उसे खोल कर देखा, मैंने मोबाइल अटैच किया एंड वहां पर मैंने उसे प्लेस करके देखा, भाई मेरा फोन लिटरली जब मैंने उसके अंदर डाला तो वो ऐसे 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 झूल रहा था, क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म है एंड वो ना फोल्ड वो लैंडस्केप के लिए ज्यादातर यूज होता है, पोर्ट्रेट के लिए नहीं होता। मेरे पास एक पत्ती पड़ी हुई थी, वो पत्ती यूज होती है हमारी इंजन प्लेट के अंदर, इंजन प्लेट के अंदर एक यू बेंड की पत्ती होती है, वो मैंने यूज़ करी, वो पत्ती यूज़ करी एंड उसको बीच में मैंने एज अ सपोर्ट लगा दिया। जैसे मनी प्लांट कहीं भी उग जाता है ना, मनी प्लांट के अंदर अगर आप डंडा लगा दो तो मनी प्लांट उसके थ्रू चढ़ता है, तो बस यही मैंने उसके बीच सपोर्ट लगा दिया एंड भाई क्या फ्लॉलेस काम किया है, वो मज़ा आ गया लिटरली। मतलब वो इतना स्टेबल था अपनी जगह पर, उसके अंदर मेरा फ़ोन रखा रहता है 100-120 की स्पीड पर, कहीं नहीं जाता, लिटरली कहीं नहीं जाता। उसको आप जिपटाइज, उसके पीछे ना एक होके दिया हुआ है, उसको आप जिपटाइज से भी बांध दोगे ना तो आपका फ़ोन कोई छीन के नहीं ले जाएगा। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल आइडिया फॉर मेनी राइडर्स, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपको जरा सी भी हेल्प हो ना, सब्सक्राइब करके जाना विद द बेल आइकन ऑन, मोटिवेशन मिलती है जिससे हम और ज्यादा ऐसे रॉ आइडियाज अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है आज और लिटरली ये चीज है, दिस इज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मेरी स्पीड है 40, बहुत ज्यादा स्टेबल चीज है, मैं इसको 100-120 पर भी चलाकर दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत आराम से भगती है ये चीज। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जस्ट बिकॉज दिल्ली के अंदर धूप निकल चुकी है, बारिश बंद हो चुकी है। और भैया भैया हाँ जी नहीं नहीं ऐसे ही बना रहे बस। ये आपने अभी उठती हुई देखी लिटरली बाइक, कैसे उठी है बाइक, मतलब इट्स जस्ट लाइक स्मूथ फकिंग स्मूथ। दोबारा उठा के दिखाऊं, लिक्विड मॉली का जवाब है भाई, लिक्विड मॉली। देखो मैं आपसे 10/10 रियल टॉक करना चाहता हूँ, दैट इज कि ये चीज इज क्वाइट यूनिक एंड सेकेंड चीज दैट दिस थिंग इज वेरी 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 अटेंशन ग्रैबिंग एंड आपको इसको ध्यान से भी रखना पड़ेगा। चलो साइड में रुकते थोड़ी देर एंड आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, वेल दिस इज़ अ क्लासिक, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विद द बार एंड मिरर्स, जो आपको अगली बार से नहीं मिलेंगे। मैं अब इसको उतार दूंगा क्योंकि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब इसे बंद कर लूँ भाई। ये जो है हमारे वाइब्रेशन रॉड के ऊपर मैंने ना अपना कैमरा माउंट लगाया जिससे मैं 360 शॉट रिकॉर्ड किया था। अब आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या। ये देखो टक करके ये पाउच आपका बाहर आ गया एंड ये जो आपका माउंट है ये आपका लगा हुआ है। ठीक है, इसके बीच में मैंने जो एक पत्ती है ना, ये पत्ती लगाई है और इसको मैं लास्ट में डिसमेंटल करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना एंड एनी वे इफ यू न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। अगर आप इसको उतार दोगे तो ये बहुत बेढंगा और बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा, इट विल नॉट लुक नाइस एंड सेकेंडली दैट एयर वोंट बी डिस्ट्रैक्टिंग द सेम। एंड अगर आप इसके अंदर फोन रखोगे, दिस इज़ क्वाइट बिग, दिस इज 6.1 इंचेस मे बी, आईफोन 13 प्रो मैक्स बड़े आराम से इसके अंदर आ जाएगा। एंड इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे दैट इट हैज़ 4 लॉक्स इन विच आई हैव ब्रोकन 1, सो इसको मैं ऐसे लगाता हूँ, 3 पे भी बड़े आराम से टिक जाता है। बट या कंसेप्चुअली इट लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी अमेजिंग एंड मेरी हेडलाइट की वीडियो के अंदर आपने देखा ही होगा कि ये कितना सुंदर, कितना एग्रेसिव लग रहा था, अब लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, अब लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेबल है, इस हेडलाइट के नट के ऊपर चिक जाता है। और अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर मैंने क्या लगाया है, नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर्स की जगह यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर ही आप यूज़ करना, मैंने तो एलन की नट लगा दिया था, यहाँ पर आप लगा सकते हो कोई भी मोबाइल होल्डर, समझ रहे हो, यहाँ पर सिमटेक का या फिर बोबो का मोबाइल होल्डर भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो, ये चीज़ झेल जाएगी, बस ज़्यादा टाइट मत करना नहीं तो अंदर से ट्विस्ट हो जाएगा। अब ये जो वीडियो है काफ़ी छोटी होने वाली है क्योंकि दिस इज़ नॉट सर्विंग मैनी पीपल, बट मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ।
देख लो भाई बाइक देख लो तसल्ली से, अगले हफ्ते अगले वीक राइड पे भी जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, सो डोंट मिस एनीथिंग। बाकी ऑब्वियसली लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोज एंड ऑब्वियसली द कॉन्स ऑफ दिस वीडियो। एंड यस, ड्यू टू दिस थिंग, इसको आपको बड़ी ध्यान से माउंट करना पड़ेगा। मैंने ध्यान से माउंट नहीं किया था बातों व्लॉग के चक्कर में, क्योंकि इसे अंदर फ़ोन भी नहीं था ऑब्वियसली करता हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द कॉस्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो एक, क्यों कॉस्ट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, जस्ट लाइक एनी अदर बाइक लाइक हायाबूसा एंड एवरीथिंग जो मेरे साइड में खड़ी है, दुकाटीज आई लाइक दुकाटी मल्टी स्टार्टर स्पेशली, बट आई वोंट बी गोइंग फॉर दैट। आई लव दिस ब्रांड, इसकी ट्रिपल ब्लैक 1250 GSA विल बी माई फर्स्ट चॉइस एवर इन माई लाइफ। शोरूम में कभी नहीं घुसूंगा, जिस दिन औकात होगी उस दिन घुसूंगा। वो दिस इज दिस सिंपल, एंड आपका मोबाइल सामने ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। और दूसरी बात ये कि जैसे मेरा एक जो पॉइंट है वो टूट गया है, वो ऐसे टूटा कि मैंने फ़ोन इससे ऐसे पकड़ के एडजस्ट कर दिया था और पीछे से उसका लॉक टूट गया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, समझे, बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। कावासाकी, या कावासाकी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स फॉर ZX10R एंड दी H2, ऑब्वियसली नॉट दी H2R। बाकी अगर मैं बात करूँ द थर्ड पॉइंट, देखो पहला पॉजिटिव पॉइंट हो गया कॉस्ट, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि फ़िट करना आसान है, इसको डायरेक्ट फिट नहीं, बीच में इसका एक आपको क्लिप लगानी पड़ेगी, स्टैंड लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है, किसी के पास भी मिल जाएगी वो पत्ती, वो लगा लो अमेज़ॉन से मंगवाओ, एंड आप जुगाड़ कर सकते हो तो कर लो यार, देखो कितना सेक्सी लग रहा है यार ये GPS। और इसका नेगेटिव पार्ट ये आ जाता है दैट इसके अंदर ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पहली बात। जो आपने मेरे चैनल पे प्रीवियस चैनल पे देखी होगी, तो दिस इज द मोबाइल होल्डर, एंड जो मेरा सो कॉल्ड जुगाड़ लग रहा है, काफ़ी लोग पूछेंगे कि ये क्या है, इसके बीच में से एक पत्ती घुसा कर यहाँ तक मैं ले आया हूँ, मोड़ मोड़ के जुगाड़ कर दिया, उसको ऐसे बिठा देंगे तो कभी हिलेगा नहीं, समझ रहे हो, बस ये जुगाड़ करने में लगे हैं सुबह सुबह। द लेजेंडरी GPS माउंट हैज बीन इंस्टॉल इन द क्लासिक एंड वेरी मच हैप्पी। चलो भाई फिर चलो टेस्ट भी कर लेना, इसे चलाते हुए तुम छेड़ियो। चलो भाई हम तो इन टॉक पे जा रहे हैं।